आपने चोरी खेलते हैं। बहुत बढ़िया अनुभव रहा है और खास करके गाने तो बहुत याद आ रहे हैं जो हम लोग नेपाल चीन बॉर्डर पे किए थे। ठंड से बुरा हाल था और -3 डिग्री में हम लोगों ने एकदम पहाड़ टॉप पे जाके गाना किया। मत पूछिए, बहुत मज़ा आया और गाना बहुत अच्छा हुआ, इस बात की खुशी है। आप लोग सही सलामत थे? बहुत सही सलामत थे, बस कांप रहे थे और एक दूसरे को संभाल रहे थे ठंडी में, और हमने इनको संभाला, इन्होंने हमको संभाला और गाना बढ़िया हो गया। जी, क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, बताइए और क्या किरदार होगा इस फिल्म का? किरदार तो बहुत मज़ेदार है और हमारे जो डायरेक्टर हैं NR घिमरे, वो बहुत ही अच्छी एक स्टोरी लेके आए हैं भोजपुरी में, और हम जितने कलाकार इसमें काम किए हैं और सब खुश हैं, और ये सब्जेक्ट अपने आप में हीरो है और इसके हर किरदार, जितने भी किरदार हैं सब हीरो हैं, सब हीरोइन हैं। एक बहुत ही मज़ेदार और कमाल की फिल्म बहुत दिनों के बाद आपको देखने को मिलेगी। आकाश जी बहुत मेहनती कलाकार हैं, बहुत उम्दा कलाकार हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और ठंड का मज़ा उन्होंने भी बहुत लिया है नेपाल में। त्रिषा जी के बारे में क्या कहना, ये तो कंप्लीट आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छी कोऑपरेटिव हैं, और इन्होंने मेरे साथ स्क्रीन शेयर किया है, लगता है दूसरी बार तीसरी बार, और काफ़ी इसमें तो कमाल का किरदार है इनका, और ये लोगों को बहुत अच्छी लगेंगी और इनका काम भी लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। त्रिषा, आप क्या कहेंगे? मनोज जी तो काफ़ी एक्सपीरियंस आर्टिस्ट है, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं और हमसे सीनियर हैं, तो उनके साथ काम करने में ऑब्वियसली अच्छा लगेगा, क्योंकि उनके साथ काम करते वक्त बॉन्डिंग अच्छी होती है और रिहर्सल की ज़रूरत नहीं होती है या कोई भी चीज़ की ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि वो पकड़ लेते हैं जल्दी, एंड कॉमेडी तो बहुत अच्छा पकड़ते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं राकेश भैया, बबलू भैया, उन्होंने कुछ भी कमी नहीं रखी, और कालू जी ने बोला हमको 20 डांसर दो, तीनों ने बोला नहीं 40 मंगाइए मास्टर जी। कमाल का इन्होंने फिल्म में अपना योगदान दिया है, जो एक अच्छे प्रोड्यूसर अपनी अच्छी फिल्म बनाने के लिए देते हैं। भैया, दिल से आपको धन्यवाद, ऐसी बेहतरीन और अच्छी फिल्में बनाते रहिए। मनोज जी, आप और त्रिषा जी ने हिमालय की वादियों में क्या 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 नहीं गुल 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 नहीं खिलाए। ऐसा है कि NR घिमरे जी और हमारे DOP थे दिव्यराज सुबोधी जी, और डांस मास्टर का नाम लेना चाहूँगा कबीराज जी, इन लोगों की यूनिट ने लोकेशन बताया और हम लोगों ने हिम्मत किया कि इतनी ठंड में चलना है, और वाकई उन लोगों ने जो रिजल्ट दिया, जो काम किया, वो लोग तारीफ़ के काबिल हैं और हम उनकी तारीफ़ शब्दों में नहीं भूल सकते। कमाल का काम उन्होंने किया है और हमारी जितना मेहनत उन लोगों ने भी किया है, हमने ठंड नहीं, उन लोगों ने भी ठंड झेला है, बस अलते फर्क ये था कि वो लोग जैकेट वैकेट में थे, हम लोग बिना जैकेट के थे, तो ठंड लगनी थी। नहीं, हिमालय पे जब ऊपर चढ़ाए थे और वहाँ से पहाड़ के जैसे फोटोग्राफ देखेंगे तो पहाड़ के किनारे तो नीचे एकदम गहरी थी। हाँ, वो तो हम लगा था यार, हम ये समझते थे कि हम दूसरी दुनिया में आ गए हैं और आप लोग नीचे हैं, हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, लेकिन नीचे आप लोग दिख नहीं रहे थे, बादल दिख रहा था। फर्क यही है कि जैसे हम ऊपर बादल देखते हैं, वैसे हम नीचे वहाँ से बादल देखते हैं। बहुत मज़ा आया। कैसा लगा बादल? मत पूछिए, बहुत अच्छा लगा, और ईश्वर करें आप सब चलें और वहाँ पे बाइट लें, इंटरव्यू लें और ठंड का मज़ा लें। कब चल रहे हम लोग? फिर January 15 के बाद प्लान करते हैं, और वहाँ ठंड नहीं रहेगी उस समय, वहाँ पे मतलब मखमली ठंड रहेगी और क्या बोलते हैं, वाइट लैंड हो जाएगा, पूरा वाइट लैंड, उसमें चलने में खूब मज़ा आएगा। इस फिल्म को लेके कितना एक्साइटेड है ऑडियंस, क्या कहना चाहें? आंख मिचौली जैसा नाम है, एक दूसरे से कितना आंख मिचौली किया? हम लोगों ने तो बहुत किया है और आप लोगों से करने आ रहे हैं, और पक्का यकीन है कि थिएटर में भी आप लोग आंख मिचौली एक दूसरे के साथ देख के करेंगे और खूब एंजॉय करेंगे, खूब एंटरटेन करेंगे, ये हम सबका पूरा भरोसा है। अच्छा, एक वाक्य, जैसे नेपाल में आप लोग शूटिंग करते हो, हिंदी कम बोलते, आंख में चोली वो लोग कैसा बोलते थे? आंख में चोली बोलते थे, हम लोग बोलते थे भाई आंख में चोली नहीं है, आंख मिचौली है, और गड़बड़ हो जाता है बहुत लोगों में, लेकिन ये भी एक अपने आप में हास्य है कि जो जैसे समझे, लेकिन फिल्म आंख मिचौली है। इसके बधाई के पात्र हैं हमारे डायरेक्टर NR घिमरे, राइटर सूरज द्विवेदी, और बाकी पूरी टीम, हमारा एक छोटा सा स्पॉट बॉय भी उतना ही मेहनत किया जितना हम लोगों ने किया है। सबका मेहनत है और कमाल की फिल्म आ रही है और आपको जरूर पसंद आएगी।